नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरके, और आप देख रहे हैं आरके ट्रेडिंग। दोस्तों, तारीख है 7 दिसंबर 2021 और यहां पे 8 दिसंबर 2021 के लिए निफ्टी के फार्मा, मेटल, आईटी और साथ ही फाइनेंशियल स्टॉक के आंसर्स लेकर आपके सामने हाजिर हूं। उसके पहले बता दूं कि अभी तक आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को अगर डाउनलोड नहीं किया तो जरूर डाउनलोड कर लें। लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त होने के साथ साथ स्टडी मटेरियल, चार्ट एनालिसिस, शॉर्ट टर्म कॉल, पोजिशनल कॉल और आईपीओ रिलेटेड जानकारी आपको मिलती रहती है। तो चलिए शुरुआत करता हूँ निफ्टी के फार्मा इंडेक्स से। सारे इंडेक्स को देखेंगे, फिर सारे स्टॉक्स को भी देखने की, समझने की कोशिश करेंगे कि आज क्या सिनेरियो बना रहा है। और स्ट्राइड्स फार्मा, पहले तो निफ्टी के फार्मा को देखते। देखिए, निफ्टी का जो फार्मा इंडेक्स है बिल्कुल सपोर्ट एरिया से, जैसे कि कल भी हम लोगों ने बात कहा था कि बिल्कुल यहीं पर से, ये पिछले बार भी बाउंस किया था, इसी जगह से इसको बाउंस आज करना चाहिए। बिल्कुल उसी जगह से हिस्ट्री को रिपीट किया है और जिस तरह से इसने क्लोजिंग दिखाया है, बिल्कुल स्ट्रेंथ वाली क्लोजिंग है। कल अगर ये 13,290 और 13,300 के ऊपर अगर निकलता है तो आपको एक बड़ी रैली फार्मा में मिल सकता है, याद रखेंगे। एस्ट्राजेनिका पे फिर नज़र रखिए आप, और देन उस हिसाब से एस्ट्राजेनिका पे देखिए, रेजिस्टेंस तो 3200 का है, बड़ा टारगेट आपको 3200 के ऊपर ही मिलेगा। जब तक 3200 के ऊपर नहीं जाए तब तक कोई पोजीशन नहीं बनाएंगे। और बिंदु फार्मा में मूवमेंट है और नज़र रखेंगे, और बिंदु फार्मा में कल ये आपको एक ब्रेकआउट दिखा सकता है। और बिंदु फार्मा अगर इस के ऊपर निकलता है, 680 के ऊपर निकलता है, 82 के ऊपर निकलता है, तो आपको एक अच्छा टारगेट 710 तक का मिल सकता है। बायोकॉन इसी ट्रेन लाइन के आजू बाजू कर, खैर अब इस ट्रेन लाइन का कोई यूज नहीं है, इस ट्रेन लाइन का काम जहां तक होना था ये एक्चुअली हो चुका है। अभी यहां पे एक साइडवेज जोन में फंसा हुआ है, क्या है ये बिल्कुल देखेंगे। अगर एरिया छोटा सा एक साइड नीचे वाला लाइन को मैं आगे बढ़ाता हूं तो पता चलेगा ये नीचे एक सपोर्ट लेके बैठा हुआ है। अगर ये 355.54 के नीचे निकलता है तो कमजोर हो जाएगा, 348 तक गिर सकता है। कैडला, इसने नीचे के लेवल को ब्रेक किया लेकिन नीचे से होल्ड भी किया है। कल अगर ऊपर के लेवल को ब्रेक करता है 456.57 को तो 460-465 तक के टारगेट दिखा सकता है। सिप्ला अब नीचे कंटिन्यू नीचे ही नीचे आ गया, लेकिन जिस जगह पे आना चाहिए था आ गया। पिछले बार भी आप देखेंगे, मैं और छोटा करता हूँ चार्ट, तो आप देखेंगे सिप्ला जो है, तो मैं हटाऊंगा इस लाइन को, सिप्ला इसी एरिया से कई बार इस एरिया से ही बाउंस करके ऊपर की साइड में गया है। देखिए यहाँ है ना, दिस इज 1, दिस इज 2, हालांकि ये तो 1-2 के बाद में बात है, अभी भी आप देखेंगे तो 3 बार यहाँ पे हो गया, 4 यहाँ, 5 यहाँ, 6 यहाँ, 7 यहाँ, उसके अलावा देखेंगे तो एक और है यहाँ पे 8। तो ये एरिया जो है काफी इंपॉर्टेंट लेवल है, जो कि लगभग जो इसका प्राइस आ रहा है वो 875 तक का आ रहा है, यानी 880 से 75 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। उसके नीचे जाने पे सिप्ला और खराब हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, लेकिन अगर 900 के ऊपर निकलता है यहीं से बाउंस करके तो 920 तक के टारगेट दोबारा से आपको सिप्ला दिखा सकता है। डिवीज लैब की बात करें तो डिवीज लैब में नीचे का लेवल 4600 को अगर ब्रेक करेगा तो 4450 से 4500 का टारगेट देगा, ऊपर 4670 को ब्रेक करेगा तो 4750 तक के टारगेट और 4800 तक का टारगेट दिखा सकता है। डॉक्टर लाल पैथलेब की बात करें तो अभी थोड़ा सा अवॉइड करके चलेंगे डॉक्टर लाल पैथलेब, और नीचे की तरफ में गिरावट बढ़ सकता है अगर ये 3500 के नीचे आएगा तो, ऊपर एक रेजिस्टेंस एरिया है, जब तक इस एरिया के ऊपर नहीं जाए कोई भी पोजिशन नहीं बनाएंगे। डॉक्टर रेड्डी की बात करें, डॉक्टर रेड्डी ने भी बिल्कुल इसी ट्रेन लाइन से सपोर्ट लिया, देखिए जैसे पिछले बार लिया था बिल्कुल इसी जगह से ये सपोर्ट लेकर ऊपर जाने की कोशिश करा। कल नजर रखिए डॉक्टर रेड्डी पे, 4550 से 55 के ऊपर निकल 4600-4650 के टारगेट देगा। ग्लेनमार्क फार्मा पे नजर रख के चल सकते, 500 के ऊपर एक मूवमेंट बनेगा जो 510 से 520 का इंटरडे टारगेट दिखाएगा। ग्रेनुलर्स इंडिया पे भी ब्रेकआउट आ सकता है, 315 के ऊपर निकला 320 से 325 तक के टारगेट बनेंगे। लुपिन में अभी लेवल, तब तक जब तक 880 के ऊपर लुपिन नहीं निकलेगा तब तक कोई भी पोजीशन बनाना संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है, थोड़ा रिजेक्शन इसको मिल सकता है, यानी इस एरिया के ऊपर 880 से 82 के ऊपर निकलना होगा। नोवार्टिस की बात करते हैं, नोवार्टिस में एक रजिस्ट 830 का एक रजिस्टेंस वो ब्रेक करेगा तो 850 के टारगेट बनेंगे। पिरामल बेहतरीन मूवमेंट से 2600 के ऊपर कल अगर तोड़ता है तो 2650-2700 का नेक्स्ट टारगेट बना सकता है। स्ट्राइड फार्मा कमजोर है, वीक है, सिप्ला और स्ट्राइड फार्मा, सॉरी कैडला और स्ट्राइड फार्मा सेम पोजिशन से नीचे आया हुआ है। अगर ये नीचे 456 इसके नीचे जाता है तो 445 तक के टारगेट दे सकता है। ऊपर की साइड में अगर ये 470 से 75 को ब्रेक करता है तो वापस 490 वाले लेवल पर जा सकता है। सन फार्मा गैप डाउन ओपन हुआ, अच्छा रिकवर किया है, और अब साइड में अगर 752 से 753 ब्रेक करता है 760 से 765 का इंटरडे टारगेट होगा। टोरेंट फार्मा की बात करते हैं, टोरेंट फार्मा में ऊपर के लेवल खुलेंगे अगर ये अप साइड में ब्रेक करता है 3100 को तो 3200 के टारगेट बनेगा। फोकर्ड ब्रेकआउट आ सकता है, देखिए जिस तरह के फार्मा में अभी गिरावट चल रहा है और अभी ये सस्टेन किया हुआ है, वोकर्ड एक रेंज में फंसा हुआ है, मैं वोकर्ड का एक रेंज
यहाँ पे दिखाने को देखते, ये एक रेंज में फंस गया है ना, इस रेंज के ऊपर या नीचे ही हमारा पोजिशन बनेगा, अदरवाइज अभी हम एवॉइड करके चलेंगे वोकड में। तो ये फार्मा पे मेरा व्यू था दोस्तों। अब चलेंगे जरा मेटल स्टॉक्स की तरफ। अब मेटल में सबसे पहले हम लोग मेटल इंडेक्स को देखने की कोशिश करते हैं, और मेटल इंडेक्स में थोड़ा छोटा करता हूँ। मेटल इंडेक्स में भी मूवमेंट आया है, और ये एक रेजिस्टेंस एरिया है। देखिए यहाँ से अगर ये ब्रेकआउट होकर ऊपर जाता है अपसाइड में 5500 के ऊपर, तो 5600 तक का नेक्स्ट टारगेट देखने को मिल सकता है। और यहाँ से भी अगर आप लेवल देखते हैं, देखिए यहाँ से इस तरह से हम डाउन करते हैं, तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस भी आ रहा है। अगर ब्रेकआउट होता है तो एक अच्छा मूवमेंट बनेगा। तब इस हिसाब से नजर रखिए अडानी इंटरप्राइजेस पे, जो 1700 के ऊपर जाने के बाद मूवमेंट करेगा 1725 से 1750 के लिए। एपीएल अपोलो पे अगर हम नजर रखें, तो अगर ब्रेकआउट कर देता है ऊपर 930 तो 950 का टारगेट, नीचे 900 को ब्रेक करता है तो 880 का टारगेट। कोल इंडिया इस रेड लाइन के ऊपर निकलने दीजिए, 152 से 53 के ऊपर, देन 155 से 60 का टारगेट। हिंडालको मूवमेंट आया है और इस कैंडल के बिल्कुल हाइयर जोन पर आ चुका है हिंडालको। आप देखें मैं यहाँ से ड्रॉ करता हूँ हिंडालको, है ना, इसका हाई है 442.70 और आज का हाई है 444.40 और क्लोजिंग 443, बिल्कुल उसके ऊपर में किया हुआ है। तो कल अगर अपने हाई को ब्रेक करता 445 को, तो 455 से 60 तक का टारगेट हिंडालको दिखा सकता है। हिंदुस्तान कॉपर की बात करें तो शानदार ब्रेकआउट आया, शानदार ब्रेकआउट आया हिंदुस्तान कॉपर, 120 के बाद 125 का टारगेट था, वो टारगेट हमारा डन हो गया है इसमें। अब हिंदुस्तान कॉपर के बाद हिंदुस्तान जिंक की बात करें, तो इस पे भी 335 के ऊपर कॉल दिया हुआ था हिंदुस्तान जिंक, और उसके बाद देखिए शानदार तरीके से 355 तक आ गया। 335 से 40 के ऊपर जाने पर मूवमेंट बनना था, बन गया। नेक्स्ट टारगेट 360 का होगा, लेकिन अगर आज के लो के नीचे निकल जाता है 350 के नीचे, तो कमजोर होकर वापस 340 पे आ सकता है। जिंदल स्टील एक ब्रेकआउट की पूरी तरह से तैयारी करते हुए, देखिए यहाँ से ब्रेकआउट दिख रहा है, यहाँ पर से एक लेवल अगर दिखाता है अपसाइड में, तो 373.74 के ऊपर निकल 380 से 85 तक के टारगेट दिखा सकता है जिंदल स्टील। जेएसडब्ल्यू स्टील में ब्रेकआउट स्टॉक तो है सही, मूवमेंट भी कर ही रहा है, अभी फिलहाल देखना पड़ेगा, थोड़ा एक जोन जो है हमारा क्लियर नहीं हो पा रहा, चार्ट इसमें कोई क्लियर नहीं हो पा रहा, लेकिन बस अपने हाई के ऊपर ब्रेक कर दे तो चल जाएगा 666 से 67 को ब्रेक करेगा, 680 से 85 का टारगेट देगा। मोइल की बात करें तो मोइल ने देखिए शानदार ब्रेकआउट कर दिया ना, बहुत ही बढ़िया, जिस तरह की ये कैंडल बना रहा था मोइल, आज लगभग लगभग 2.5% की तेजी देखने को मिला है मोइल में। इस रेंज के ऊपर निकला, यहाँ पर से सस्टेन किया, एक रेंज के ऊपर निकला और मोइल अपसाइड में जाने की पूरी कोशिश, कल वापस से इस रेंज के ऊपर निकलता है 175 के ऊपर, तो 180 तक के टारगेट मोइल आपको दोबारा से दिखाने की कोशिश करेगा। तो नजर रखिए मोइल पर। अब नेशनल एल्युमिनियम की बात करते हैं, उसमें भी ठीक है, 100 अगला टारगेट 100 रुपीज का है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। एनएमडीसी वेट करेंगे, 146.47 को ब्रेक करेगा 150 का टारगेट। रत्नमणि मेटल्स ये नीचे ही आ रहा है, तो कल ही मैंने बोला था कि अगर अपने लो के नीचे निकलता है तो कमजोर हो जाएगा, और अपना भी इम्पोर्टेंट सपोर्ट पर आ चुका है। तो देखिए अभी चार्ट इसका थोड़ा सा कमजोर हो चुका है, नीचे 1900 को ब्रेक करेगा तो 1800 तक भी गिर सकता है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करें, अपसाइड में 109-110 के ऊपर जाने के बाद आपको सेल में एक मूवमेंट देखने को मिलेगा, जो 115 से 20 तक लेके जाने के चांसेस बताएगा। तो 120 के टारगेट के लिए 110 के ऊपर पोजीशन बना जा सकता है। टाटा स्टील ये भी ब्रेकआउट कर रहा है, 1155 से 56 ब्रेक करेगा तो 1200 तक जाने के चांस बनाएगा। वेदांता में भी थोड़ा सा एक लेवल 348.49 के ऊपर निकलेगा तो 360 तक जा सकता है। ब्लैकस्टोन कॉर्प देखिए 160 के नीचे खराब हो जाएगा, 150 तक का टारगेट मिलेगा ब्लैकस्टोन कॉर्प में। तो ये हो गया फार्मा के बाद मेटल का व्यू, चलेंगे आईटी की तरफ, और सबसे पहले आईटी इंडेक्स की बात करेंगे। देखिए आईटी इंडेक्स में 1% से ज्यादा की आज मजबूती देखने को मिला है, लेकिन रेजिस्टेंस एरिया 36,000 का है। कल अपने हाई को 35,500 का अगर ब्रेक करता है तो 36,000 तक के टारगेट मिलेंगे, जिसकी वजह से आपको मैक्सिमम बिरला मैक्सिमम आईटी स्टॉक पर नजर रखना चाहिए। अगर ये 482 पर बिरला निकलता है तो 490 से 95 तक का टारगेट दे सकता है ऊपर में। कोफोर्ज की बात करते हैं, कोफोर्ज में अभी कोई लेवल नहीं है, कोफोर्ज 5300 के ऊपर जाना 5400 अभी फिलहाल सस्टेन करने की कोशिश कर सकता है। यहाँ पर हैप्पीएस्ट माइंडसेट बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, ब्रेकआउट आया हुआ और ब्रेकआउट के ऊपर सस्टेन भी कर रहा है हैप्पीएस्ट माइंडसेट। आप देखें यहाँ से बिल्कुल सस्टेन कर रहा है, और बड़े साइज का आप देखेंगे ये एक चैनल में ट्रेड कर रहा था और उस चैनल को इसने ऊपर की साइड में तोड़ा है। मैं और इसको यहाँ से अगर ड्रॉ करूंगा तो आप देखेंगे बिल्कुल उसी ढंग से इसको मिलते हुए, यहाँ से मैं ड्रॉ करके यहाँ ले आता हूँ और अब इस लाइन को इस तरह से ड्रॉ करके लेके जाता हूँ, तो आप देखेंगे बिल्कुल
जो एक ट्रायंगल पैटर्न था, ट्रायंगल पैटर्न के ऊपर ब्रेकआउट करके सस्टेन कर रहा है, तो पॉजिटिव सेंटीमेंट है। 1335 के ऊपर निकलेगा तो आपको ये 1350 तक के भी टारगेट दिखा सकता है। हैप्पीएस्ट माइंडसेट एससीएल टेक्नोलॉजी अपने हाई के ऊपर, देखिए ये इस तरह का कंफ्यूजिंग कैंडल बना है, तो आपको 1155 के ऊपर पोजीशन बनाना है कल 1170 के लिए। इन्फो एज की बात करते हैं, 5800 के ऊपर निकले तो 5900 का टारगेट। इन्फोसिस इसी ट्रेंड लाइन पर, कल भी मैंने कहा था कि यही ट्रेंड लाइन इसका इंपॉर्टेंट लेवल होता है, बार बार ये ट्रेंड लाइन से ऊपर और नीचे की साइड में भागने की कोशिश करता है। तो देखिए यहाँ हम आ गए इस ट्रेंड लाइन पर, इसी ट्रेंड लाइन पर फिर से इसने अपने आप को होल्ड किया हुआ है ना, तो यही ट्रेंड लाइन है, इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ऊपर की साइड में 1730 के निकलेगा तो 1750 तक का टारगेट दिखाई देगा इंफोसिस में। इसको इस लाइन को हटाता हूँ, अब ये लाइन यहाँ से नहीं आके यहाँ से आएगा बिल्कुल। अब चलते हैं जस्ट डायल में, जस्ट डायल में मूवमेंट बन सकता है अगर ये 730 के ऊपर निकलेगा तब। एलएनटी इंफोटेक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, एलएनटी इंफोटेक में मैं साफ सुथरा इस तरह से लाइन करता हूँ और बिल्कुल अगर एलएनटी इंफोटेक अपने लोअर लेवल को नीचे ब्रेक करता है 6400 के नीचे तो कमजोर होगा, अदरवाइज ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं। माइंड ट्री 4500 के ऊपर बाय करेंगे, 4550 से 4600 के लिए। एम्फासिस की बात करते हैं, अभी नजर रखिए एम्फासिस पे, इस ये जो एरिया बन रहा है ये गोल वाला, इस गोल वाले के नीचे 2970 के नीचे सेल होगा, 2950 से 2900 के टारगेट के लिए। इसके ऊपर बाय होगा 3125 के ऊपर 3200 के टारगेट के लिए। पेटीएम की बात करें तो ठीक है, और नीचे मिले तो अच्छी बात है, अदरवाइज 1700 के ऊपर बाय करेंगे। टीसीएस टारगेट तो अभी नहीं आया, 3600 के ऊपर रखें, 3600 के ऊपर अगर निकलता है टीसीएस 3650 से 3700 के टारगेट देगा। टाटा इलक्सी, टाटा इलक्सी में क्या लेवल आ रहे, 6000 के लेवल आ रहे टाटा इलक्सी में। इसके ऊपर निकलेगा तो 6200 से 300 तक के टारगेट बनेंगे। टेक महिंद्रा पॉजिटिव है, लेकिन देखिए ये रेजिस्टेंस एरिया है, दो तीन बार 1630 को टच किया है, 1630 से 32 के ऊपर निकलेगा 1700 का टारगेट देगा। विप्रो अभी होल्ड कर रहा है, अपसाइड में अगर विप्रो निकल जाता है 650 के ऊपर क्लोज करता है, देन 670 से 700 तक के भी टारगेट विप्रो आपको दिखा सकता है। तो ये था दोस्तों निफ्टी के आईटी पे मेरा व्यू। तो फार्मा हो गया, मेटल हो गया, आईटी हो गया, अब चलेंगे फाइनेंशियल स्टॉक की तरफ। बजाज फाइनेंशियल स्टॉक में सबसे पहले बजाज फाइनेंस, देखिए बजाज फाइनेंस के पास में ऊपर एक रजिस्टेंस एरिया है ये, और इसका प्राइस आता है 7300, ठीक है कोई बात नहीं। तो 7300 के ऊपर निकलेगा तो 7500 तक के टारगेट बनेंगे। बजाज फिनसर अगर आज अपने हाई को ब्रेक करता है कल 17300 को, तो 17500 से 700 और नीचे लेवल 16800 को ब्रेक करता है या 900 को, तो 16500 तक नीचे गिरने के चांसेस बना सकता है बिल्कुल। चोला फाइनेंस की बात करें तो चोला फाइनेंस में ऐसा कुछ है नहीं, बियरिश फ्लैग पैटर्न बनाया हुआ है, देखिए ये हो गया हमारा पोल है और ये हमारा फ्लैग है, ये है बियरिश फ्लैग पैटर्न, आप यहाँ से फ्लैग पैटर्न ले सकते हैं और यहाँ से ले सकते हैं। हमें अगर ब्रेकआउट चाहिए तो 578 से 80 के ऊपर चाहिए 600 के टारगेट के लिए। नीचे ब्रेक करेगा 550 सेल करेंगे 540 के टारगेट के लिए। इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस 260 के ऊपर नया पोजीशन बनेगा बाय के लिए, 240 के नीचे सेल के लिए। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस बिल्कुल, ये भी सारे अभी बियरिश फ्लैग बना रहे, कार मार्केट पहले एकदम वन वे डाउन आया, वन वे डाउन आने के बाद अब वहां से करेक्ट करके ऊपर जा रहा है, तो ये सारे पैटर्न जो है ना बियरिश फ्लैग बना रहे हैं। 390 के ऊपर निकलेगा LIC तो 400 तक जाने के चांसेस बनाएगा। L&T फाइनेंस 80 के ऊपर बाय करेंगे 82 से 84 के टारगेट के लिए L&T फाइनेंस को। मनप्पुरम फाइनेंस बाय ऑन डीप करेंगे, पोर्टफोलियो स्टॉक है, 3 to 5 years का व्यू लेके चलेंगे, लंबा टाइम, देखिए जब भी डीप मिलता है बाय करिए, एक अच्छा पोजिशन बना के ये देता है। M&M फाइनेंस इसमें भी नजर रखेंगे, 165 से 66 के ऊपर निकलेगा तभी पोजिशन बनेगा 170 से 75 के टारगेट के लिए। इंपॉर्टेंट लेवल को होल्ड करता हुआ दिखाई दे रहा है स्टॉक। मुथूट फाइनेंस ट्रेंड लाइन के ऊपर निकलने दीजिए, देखिए ट्रेंड लाइन के ऊपर 1520 के ऊपर निकलेगा तो मूवमेंट आपको 1600 तक का जाता हुआ दिखेगा। ऐसा ट्रांसमिन बहुत ही खतरनाक, 1480 के ऊपर निकलेगा सीधे 1520 तक के टारगेट बना के देगा। तो यह है दोस्तों निफ्टी के फार्मा मेटल आईटी और साथ ही फाइनेंशियल स्टॉक में मेरा व्यू। पसंद आया तो फीडबैक जरूर दें, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।